हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो BGMI में बेसिक सेटिंग है उसका क्या यूज है, क्या वर्क है। आप BGMI खेलते हो या पबजी मोबाइल खेलते हो या पबजी मोबाइल का कोई भी वर्जन खेलते हो, पबजी PC, पबजी चाइनीज, पबजी KR, वेतरम, जितने भी पबजी के वर्जन है या BGMI जो खेलते हो उसमें बेसिक सेटिंग होती है। सब ये सब बेसिक सेटिंग्स है हमारे, इसका क्या वर्क है, मतलब जो अभी तक दो सेटिंग्स आई हैं उसका क्या वर्क है, क्या यूज़ है, कैसे आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है और किसका क्या वर्क है, ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जो अभी तक सेटिंग आई है BGMI में या पबजी मोबाइल में किसी भी वर्जन में आज वो बताने वाला हूँ। हर पबजी मोबाइल BGMI में हर में सेम वर्क है हर सेटिंग का। तो उससे पहले आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो आपको यूज़फुल लगती है या कुछ भी आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिक सेटिंग आपको खोलनी है अपनी सेटिंग्स में। हम ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके हैं तो ट्रेनिंग ग्राउंड में सबसे पहली सेटिंग आती है एम असिस्ट, सबसे ऊपर एम असिस्ट है। क्यों? क्योंकि भाई एम असिस्ट सबसे ज़्यादा वर्क करने वाली चीज़ है, इसको अधिकतर बंदे ऑन रखते हैं क्योंकि एम असिस्ट ऑन करने से आपको एनिमी के सामने ऑटोमेटिक हेड कनेक्ट होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक हेड कनेक्ट होता है, आपको हेड करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक एनिमी आ रहा होगा तो कनेक्ट होगा हेड पे। ऑफ करोगे तो हेड कनेक्ट नहीं होगा, आपको ऑटोमेटिक सब अपने आप सब कुछ करना पड़ेगा, मैनुअली आपको हेड पे ले जाना पड़ेगा, हेड पे फायर करना पड़ेगा, लेकिन ऑन करने से आपको हेड पे कनेक्ट करना पड़ेगा। इसका फुल एक्सप्लेन वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसको ऑन करके खेलना मेन मशीन में और ऑफ करके खेलना आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में पता चल जाएगा या TDM में पता चल जाएगा, TDM में प्रैक्टिस करना आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है ये ब्लॉक साइन वार्निंग। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिंपली बता दूं आपको कि हमारा जो क्रॉस हेयर है उसके ऊपर है ये क्रॉस हेयर, यानी जहां आपको फायर करना चाहिए, जहां आपको फायर नहीं करना चाहिए, ठीक है, वहां आपको बताता है। जैसे कि ब्रोकन होल पे हूं मैं, इसके पीछे वो एनिमी होगा, यहां से फायर दूंगा तो ये मेरा क्रॉस हेयर बता रहा है फायर दे सकते हो। ठीक है, तो मैं फायर दूंगा तो फायर तो होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि फायर बता रहा है। ठीक है, ये देखिए, लेकिन ऑन ऑफ था, अब इसको ऑन करेंगे तो बता रहा है भाई यहां पे फायर करोगे तो कोई फायदा नहीं है आपका, टाइम वेस्ट होगी बस। यानी आपको एक ब्लॉक का ऑप्शन बता दिया इसने कि भाई वार्निंग बता दी कि यहाँ पे फायर का कुछ फायदा नहीं है, एनिमी को कुछ 1% भी डैमेज नहीं होगा। ये देखिए, जैसे हम बाहर जा रहे हैं और अंदर आ रहे हैं तो वैसे हमारा ब्लॉक एंड वो हो रहा है। ठीक है, आप ऑफ कर देंगे तो नहीं होगा, तो ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, इसको हमेशा ऑन रखना, गलती से ऑफ मत करना। तो उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, तो ये हमारा ऑटो राइफल फायर मोड और शॉटगन फायर मोड, फायरिंग मोड दोनों का सेम यूज है, टैप एंड रिलीज, टैप एंड रिलीज। तो टैप का मतलब आपको सिंपल भाषा में बता दूँ, टैप का मतलब तब टच करोगे फायर बटन पे तो आपकी AWM या शॉटगन या कोई भी स्नाइपर हो आपकी चलेगी। ठीक है, जैसे कि ये देखो मैं टैप करता हूँ फायर, टैप करूँगा फायर, यानी टच करते ही फायर हो जाएगा, तो उसको टैप कहते हैं। और रिलीज का मतलब है तब तक आप फायर बटन को दबा के रखोगे। ठीक है, ये दबा के रखा मैंने, तब तक छोड़ूंगा नहीं ना तब तक फायर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना, तब तक छोड़ूंगा नहीं तब तक फायर नहीं होगा, दबा के रखा मैंने, निशाना ले लिया, अब छोड़ूंगा तब फायर होगा। शॉटगन में भी ये सिंपल है और स्नाइपर में भी ऐसा सिंपल है, तो दोनों एक ही वर्क यूज करके ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आता है पिक एंड फायर, इसको पिक एंड फायर, तो पिक एंड फायर आपको बता दूँ सिंपल आसान, ये पिक एंड फायर है हमारा, दोनों में स्कोप और ऑन ऑन का बटन है, ऑन ऑफ का, ये देखिए हमारे एक राइट हैंड साइड पे पिक बटन में भी कुछ नहीं है, ऑन करेंगे आ गया, ये देखो इसे पिक एंड फायर करते हैं, यानी पूरी बॉडी ना एक्सपोर्ट करके हल्की सी एक बॉडी का पार्ट करना, तो उसे पिक एंड फायर कहते हैं। ठीक है, इससे बहुत मदद करते हैं, हर बंदा यूज़ करता है इसको पिक एंड फायर को, तो आप भी यूज़ करो। तो पिक एंड फायर का मतलब ये देखिए ऑन किया तो सिंपल ऐसे हो रहा है पिक एंड फायर, क्रॉस हेयर पर हमारा पिक एंड फायर हो रहा है। अब हम पिक एंड फायर स्कोप करेंगे तो क्या होगा, पहले हम ये देखिए कोई भी कर रहे हो तो क्रॉस हेयर पे ऑन हो रहा है, अब स्कोप ऑन करेंगे तो ये देखिए स्कोप के साथ होगा, ये देखिए स्कोप के साथ होगा, यानी पिक एंड फायर स्कोप के साथ काम करेगा, ये देखिए। तो ये मतलब है इसका। अब आता है लीन मोड, स्कोप मोड, टैप होल्ड रिलीज, टैप होल्ड रिलीज। टैप का मतलब समझ चुका, टच करते ही फायर हो, मैं फिर से समझा देता हूँ, फायर बटन पे टच होते ही फायर हो आपका। ठीक है, फायर बटन पे टच होते ही फायर हो मतलब आपका ये काम करेगा पिक एंड फायर पे। ठीक है, पिक जो आपका पिक एंड फायर है ना उस पर काम करेगा, ये देखिए लीन मोड पिक एंड फायर पे काम होगा। अब होल्ड करेंगे पिक एंड फायर को, अब दबा देखिए दबा के रखेंगे तब काम करेगा, ये देखिए दबाया तब काम करेगा, छोड़ेंगे तो काम नहीं करेगा, मतलब छोड़ देंगे तो काम नहीं करेगा, ये है होल्ड का मतलब कुछ। ये देखिए तो ये लीन का मतलब पिक एंड फायर पे काम करेगा। आप इसको मिक्स पे करोगे तो आप टैप भी करोगे या आप होल्ड भी करोगे तभी भी वर्क करेगा, ये देखिए हमने टैप किया अब होल्ड किया तभी भी वर्क कर रहा है। ठीक है, ये है मिक्स का मतलब लीन मोड में। स्कोप मोड में आपका स्कोप खोलोगे तो ये काम करेगा, देखो स्कोप टैप करेंगे तो स्कोप खुल रहा है,
होल्ड करेंगे यानी दबा के रखेंगे तो स्कोप काम कर रहा है। अब मिक्स में करेंगे तो टैप एंड होल्ड दोनों काम कर रहा है। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो लीन मोड को। लीन मोड काम होता है पिक एंड फायर पे, स्कोप काम होता है स्कोप में, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो आपको रखना है वो रख सकते हो। आप प्रैक्टिस करके देख लेना कौन सा आपके लिए कंफर्टेबल है कौन सा नहीं है। उसके बाद आता है कैमरा रोटेशन, ठीक है, ये वाला कैमरा रोटेशन रेडियस, कैमरा रोटेशन लर्निंग लर्निंग, ठीक है, लर्निंग। तो इसका क्या काम है ये बता देता हूँ। जैसे कि हमने पिक एंड फायर का खोला, आप राइट लेफ्ट कर रहे हैं, हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना, सिंपल सिंपल में हो रहा है हमारा स्क्रीन में राइट लेफ्ट कर रहे हैं तो हो रहा है। अब ऐसे स्कोप में भी हम राइट लेफ्ट कर रहे हैं तो हो रहा है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा ये ऑन है। अब इसको ऑफ करके देखते हैं दोनों चीज़। तो ये देखो पहले एक चीज़ ऑन करते हैं यानी पिक एंड फायर का ऑफ करते हैं। ये देखिए अब राइट लेफ्ट कर रहे हैं स्क्रीन के साथ, नहीं हो रहा, लेकिन डायो के साथ कर रहे हैं तो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए तो इसका मतलब डिस्प्ले में आप राइट लेफ्ट करोगे तो उसके लिए पिक एंड फायर। आप स्कोप का भी यही करेंगे सिंपल, आप स्कोप का कहाँ गया ये देखो, स्कोप को ऑफ करेंगे, अब स्कोप ओपन करेंगे हम। ये देखिए अब राइट लेफ्ट कर दें स्कोप को, नहीं हो रहा। तो जो नॉन जायरो प्लेयर है इसको ऑन रखते हैं, जो जायरो प्लेयर है इसको ऑफ रखते हैं, लेकिन जायरो प्लेयर भी इसको ऑन रख सकते हैं और नॉन जायरो भी, नॉन जायरो तो ऑफ रख ही नहीं सकता। तो अपने हिसाब से देख लेना, प्रैक्टिस के हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो कर सकते हैं। अभी ये लर्निंग में आपका पिक एंड फायर पे काम करेगा और रेडियस पे, रेडियस स्कोप पे काम करता है। कैंडी साइड क्या बताऊँ उसके बारे में, कोई यूज ही नहीं करता। ये आपका कैंडी साइड है स्विच टैप करने के लिए, ठीक है। तो कैंडी साइड जब भी उठाओगे तब तक ये सामने ये सेटिंग आएगी साइड का, ना नहीं आएगा। आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ बैकपैक पे जाके। ये देखिए कैंडी साइड हमने लगा रखा है तो ऑप्शन आ रहा है साइड बटन का हमारे जॉयस्टिक के सामने, आप हटा दिया तो नहीं आ रहा। तो सिंपली इसको कोई यूज़ नहीं करता, कोई भी मेरे ख्याल से कमी बंदे यूज़ करते हैं, बाकी तो फायदा नहीं है। उसके बाद आते हैं डिस्प्ले लेफ्ट साइड बटन, ठीक है, डिस्प्ले लेफ्ट फायर बटन लेफ्ट साइड ऑलवेज, इसको हमेशा ऑन ऑलवेज करना, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में हमारा दोनों फायर पे है, लेफ्ट साइड बटन आ रहा है, ठीक है। इसको ऑन करेंगे गायब हो गया, वो ऑन करेंगे तब इसे दिखेगा हमारा लेफ्ट साइड में जो फायर बटन है, राइट साइड पे तो शो ही करेगा हमारा राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट के ऊपर है ये, ठीक है, लेफ्ट के ऊपर वर्क करता है ये लेफ्ट स्क्रीन के ऊपर। आप क्लोज कर देंगे तो आपका फायर बटन गायब हो जाएगा। तो आप बोलोगे मेरा फायर बटन आ गया, तो बंदे को कुछ प्रॉब्लम आती है ना, फायर बटन गायब हो जाता है, तो ये सेटिंग छेड़ देते हैं लेफ्ट साइड में, तो फायर बटन गायब हो जाता है। तो इसको हमेशा ऑलवेज ऑन रखना, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम एम फीचर, दूसरा एम फीचर, ठीक है, दोनों का काम एक ही है, ठीक है, दोनों की कोई दिक्कत नहीं है। तो एम फीचर की एक फुल वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये आपका एम फीचर एडिशनल एक बटन आ जाता है, ये थोड़ा आपको आपका प्लेयर आगे आ जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है, इसका ये वर्क है। ये देखिए दिख रहा है, ये है आपका एम फीचर, ये जो मेरे AWM पे एक आइकन आ रखा है ना वो है। तो इसको अधिकतर बंदे ऑफ करके खेलते हैं। अब फुल एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक भी मिल जाएगी मेरे इस वीडियो के नीचे। तो ये हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट पे, एम फीचर समझ गए। अब आते हैं हम कौन सी सेटिंग है, एम फीचर टैब मिक्स होल्ड, यही है एम से टैप होल्ड मिक्स की, आप दबा के रखोगे तो अब एम फीचर काम करेगा, प्रेस करके रखोगे तो काम करेगा, मिक्स पे मिक्स, ये है इसका ऑल वेस। अब आते हैं मेन सेटिंग, ये जो आपकी ऑफ कर दो, ये देखो बता ही चुका हूँ एम होल्ड मिक्स। अब आते हैं जायरो पे, तो जायरो सबको पता है क्या होता है, जो ऑलवेज ऑन खेलता है, यानी पूरा फ़ोन हिलाओगे, स्कोप खोलोगे, जो कुछ भी करोगे आप, ठीक है, फ़ोन को हिलाओगे, लेफ्ट राइट करोगे, फ़ोन को कुछ भी आगे पीछे करोगे तो जायरो काम करेगा, ठीक है। और स्कोप ऑन में सिर्फ स्कोप ऑन में देखिए, ऑलवेज देखिए, ऑलवेज में देखिए, जो मर्जी करिए, फ़ोन को कहाँ भी हिलाओ तो काम करेगा, स्कोप में, स्कोप ऑन में, स्कोप जब आप भी स्कोप खोलोगे तभी काम करेगा जायरो, ठीक है, फ़ोन हिलाने पे। और क्लोज का मतलब दो नॉन जायरो प्लेयर है, दो बिना जायरो को खेलते हो क्लोज ही रखते हैं। तो आप देख लेना आप क्या हो, तो मैं तो जायरो प्लेयर हूँ तो ऑलवेज ऑन खेलता हूँ, तो ऑलवेज ऑन का। तो आप भी कमेंट करना आप क्या खेलते हो, जायरो प्लेयर और जायरो रिवर्स। तो इसका सिंपल मैं बता दूँ, जायरो के साथ आप कंट्रोल करते हो, अगर जायरो के साथ ऊपर ले जाओगे आप जाओगे तो डाउन जाएगा, डाउन जाओगे तो राइट जाओगे तो लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट जाएगा तो राइट जाएगा, ये जायरो को रिवर्स कर देगा बस। ये देखिए ये इसका ये एग्जांपल है कि जायरो को रिवर्स कर देगा आपके, कि आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, पता नहीं इसको क्यों लाए, मुझे समझ नहीं, आपको बताना है जायरो रिवर्स क्यों लाए हैं, कि भाई आपके जहाँ भी आप ले जाओगे वहाँ पे उल्टा होगा काम करेगा ये। जैसे कि मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो नीचे जा रहा है, मेरे ऊपर ले जा रहा हूँ तो नीचे जा रहा है ये जायरो, इसको तो ऑन ऑफ नहीं मत करना क्योंकि आपका जायरो खराब हो जाएगा, ठीक है, जायरो रिवर्स ऑन मत करना। मोबाइल वो फ़ोन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन सबको पता क्या होता है, जो ऐसे आती है ऐसे करके, तो मतलब कोई भी इवेंट आता है, कोई भी आपका क्रिएचर आता है आपकी पबजी मोबाइल या बीजेएमआई में, तो उसका साउंड वाइब्रेशन जो हरकतें करता है तो उसको फील करने के लिए ये, ठीक है। अब मेन आते हैं ये दो, ये दो सेटिंग है, ये मेन सेटिंग है आपकी, ठीक है।
मेन ऊपर वाली बहुत भी मेन थी, लेकिन ये भी अधिकतर बंदे ये सब ऑन ही रखते हैं, ठीक है। जैसे ऑटो ओपन डोर, ठीक है, इसको हमेशा ऑन ही रखना क्योंकि अपने आप दरवाजे खुलने चाहिए, कहीं भाग रहे हो आप दरवाज़ा खोलो एनिमी आपको मार दिया। और ये हीलिंग प्रमोट कि आपको एचपी कितनी कम है उसके हिसाब से आपको करे, आपका एचपी कम है ज़्यादा कम है तो मेड किट हेल्थ किट शो करता है, कम थोड़ी कम है तो बैंडेज पेन चलाइए शो करता है। और हीलिंग पावर में मतलब हीलिंग आप करते हो हीलिंग हेल्थ बैटल तो उसमें भी काम आता है कि आपको जल्दी जल्दी हट जाता है तो हेल्थ किट शो करता है, बैंडेज को हटा देता है, तो इसको हमेशा ऑन रखना है, ठीक है। और रिमोट वाला आपको पता है रिमोट करने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद स्लाइड, स्लाइड आपको पता ही क्या होता है। और जंप क्लाइंब तो पता ही है आपको, जंप क्लाइंब दो बटन आते हैं, एक दो जंप और एक नॉर्मल, देखिए एक हमने ऑफ किया तो एक क्लाइंब जो हम करते हैं ना वो गायब हो गया, लेकिन एक जंप का बटन हमारे पास है। क्लाइंब का मतलब कूद के जाना, ठीक है, दूसरी तरफ, लेकिन आपको जंप करोगे तो जंप ही करता रह जाएगा बंदा, ये देखिए जंप तो इससे भी होगा लेकिन इससे क्लाइंब हो जाएगा, यानी इस उस तरफ चले जाओगे, तो उसको हमेशा ऑन रखना वरना आपका क्लाइंब का बटन बच जाएगा, आप बोलोगे भाई मेरा बंदा कूद ही नहीं रहा, तो उसके लिए ये, ठीक है, क्लाइंब करने के लिए दूसरी तरफ जाने के लिए दो जंप के बटन आपको ही पता है। उसके बाद आते हैं ये स्लाइड, सबको पता है टीडीएम में बहुत बंदे स्लाइड कर करके मारते हैं, स्लाइड करके मारते हैं, वो है स्लाइड बटन कि भाई स्लाइड कर करके मारते हैं। और उसके बाद यूनिवर्सल मारिए, सबसे काम की चीज़ है, दो न्यू सेटिंग में आई है, ठीक है, इससे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मार्क कर सकते हो, आपके पास हाथ में जो भी गन हो उसकी एमओ मांग सकते हो कि आई एम, अब स्पीकर ऑन नहीं करते, माइक ऑन नहीं करते कि कौन सी एमओ चाहिए, तो इसकी चाहिए 5.56 की, तो ऐसे मांग चाहिए, सबसे काम का बटन है। उसके बाद आता है किक थ्रो, किक थ्रो, ठीक है, तो किक थ्रो का मतलब होता है कि पहले हम सेलेक्ट करते थे कि आप ऐसे चक्र में आता है, गोल चक्र में आता है, ऐसे कुछ भी आपको सेलेक्ट करना है तो आपको टैग करना है, दबा के रखना, फिर आपको जो भी फेंकना है वो सेलेक्ट करिए वो फेंक जाएगा, ठीक है। ये है, इसको हमेशा ऑन करके रखिए, और सभी ऑन करते हैं आजकल, आप भी ऑन करके रखिए, तो ये है, ऑफ करके करोगे तो नहीं आएगा, ऑन करके है, अलग अलग सेटिंग है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। उसके बाद आते हैं ये स्विच एंड थ्रो का, ये इसी का, इसी के बटन का यूज़ आप देख लेना कि कैसे आपको करना, कैसे आप ये सब बटन ऑन रखना है आपको, ठीक है, सब कुछ बटन आपको ऑन रखना है। अब ये आता है डिफेंस पैराशूट फॉलो, ठीक है, मतलब पैराशूट में ऑटो फॉलो हो जाएगा, जो भी आपका बंदा होगा ऑटो फॉलो हो जाएगा, ऑफलाइन भी चले जाओगे तो ऑटो फॉलो होकर आप बंदा को दा देगा, क्योंकि भाई पहले हम दिक्कत बहुत आती थी कि भाई फॉलो नहीं होता था, फॉलो नहीं, हम ऑफलाइन जाते थे तो कहीं भी उतर जाते थे, लेकिन ये फीचर ऑन करना चाहिए आपको। अब एप्स, आपको पता है कि हम कोई भी मैच खेलते हैं, क्लासिक खेलते हैं, जब भी हमें ऐसा सिचुएशन आती है कि हमें एफपीपी में स्विच करना होता है, यानी एफपीपी के व्यू में देखना होता है, एफपी का मतलब फर्स्ट पर्सन के व्यू में देखना होता है, तो ये ऑन करते हैं हम, ठीक है। ये देखिए ये बटन आ चुका है ना मेरे लेफ्ट साइड साइड पे, तो इसके लिए है ये, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए, अब गायब हो गया तो इसका हमेशा ऑन रखना है, क्योंकि भाई कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है कि एफपीपी स्विच करने की। अब इसके बाद आते हैं एफपीपी डायनेमिक, कहाँ गया हमारा ये रहा, तो होल्डिंग, इसका काम है एफपीपी में ज़्यादा आपको दिखाना, ठीक है, ज़्यादा आपको मतलब व्यू दिखाना, तो इसको जैसे कि थोड़ा व्यू दिखाना कि ज़्यादा कि हमारा एफपीपी में थोड़ा वर्क करके कहीं पास जाओगे एफपीपी में करोगे वो थोड़ा व्यू ज़्यादा दिखाएगा आपको, तो इसके लिए, ठीक है, ये व्यू थोड़ा दूर भी कर देगा थोड़ा ज़्यादा भी दिखाएगा आपको, तो ये तो हमेशा इसको ऑन करके खेलना, क्योंकि एफपीपी में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि बंदे आप पीछे नहीं देख सकते, तो इसलिए इसको हमेशा ऑन करके खेलो। उसके बाद आता है फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, ठीक है, व्यू कैमरा व्यू ऑफ थर्ड पर्सन, ये तो न्यू ऐड हुआ है आपको पता है, इसका मतलब क्या है, आईपैड व्यू, आईपैड व्यू चाहिए आपको, यानी आईपैड व्यू यानी आपको थोड़ा लंबा चौड़ा चाहिए, आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, फर्स्ट पर्सन का वही मतलब है एफपीपी, थर्ड का मतलब वही है टीपीपी, अपने हिसाब से आपको आईपैड व्यू चाहिए तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा आईपैड व्यू चाहिए, कितना व्यू चाहिए कितना नहीं चाहिए, ये फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन इसका काम है, ठीक है, व्यू है मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा आपको लोकेशन, कम नहीं थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मैं तो फुल पे करता हूँ भाई, आप भी देख लेना आपको फुल चाहिए या मीडियम चाहिए या लो चाहिए, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और आते हैं ये ऑल अदर रिजल्ट शो का, यानी आपको अपना रिजल्ट शो करवाना है कि आपने कितने चिकन लिए, कितने मैच खेले, कितने टीम लिए, तो वो आपको शो करने के लिए अधिकतर बंदे इसको ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, 50-50 है, ठीक है, कि आपको दिखाना है कि भाई मैं प्रो प्लेयर में, वो बंदा चेक करेगा तो रिजल्ट शो होगा, आउटफिट यानी आपकी जो आउटफिट शो होगी आपकी लोबी में जो पहन के रखा होगा वो बंदा आपको शो करता, तो इसको बंदा आप दिखाते कि भाई देख भाई मेरी आउटफिट है स्क्रिप्टेड, आपको पता है कि कोई भी आप मैच खेलो क्लासिक या टीडीएम खेलो आपको बंदा देख पाए ना देख पाए कि आप किसके साथ खेले हो किसके साथ नहीं खेले हो, तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी ये चेयर पाक के हैं, ठीक है, कुछ नहीं है ये चेयर पाक का, इसको ऑन ही रखे सिंपल, ये तो होता है इनवाइट करने के लिए होता है, फ्रेंड के लिए होता है कि कोई भी रैंडम प्लेयर आपको इनवाइट करे तो उसके साथ आप
वो खेल पाए, वो फाइट कर पाए, उसके लिए है। और ये रेडियो मैसेज रिसीव, यानी सारे रेडियो मैसेज जितने भी रेडियो मैसेज आ रहे हैं आपको रिसीव हो आपके लॉबी में, वो है। और बस ये डिस्प्ले है, फिर ये सबसे बड़ा फोन आइलैंड ब्रॉडकास्ट, इसको बंदे जो आप चाहते ना गेम लगाते हैं वेलकम टू पबजी मोबाइल या BGMI बोलता है, इसको ऑफ ऑन करने के लिए, TDM में भी होता है, क्लासिक में भी होता है, ठीक है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए। और लाइक बटन को, यानी इन गेम लाइक देने का बटन है ये, तो इनका कुछ ज़्यादा ऑन नहीं है, आपके हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो नीचे वाले बटन में, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है इनका। बाकी सारी सेटिंग बताती है जो भी इस टाइम पे है हमारे, और आने वाले टाइम पे जो भी होगी अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन वीडियो आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल पे न्यू हो, और 3-4 वीडियो को तो